आपके साथ ही थोड़ा सा एडवेंचर, समंदर की लहरें, थोड़ा नाश्ता और एक धुआंधार चाय। छुट्टी वाले दिन और क्या चाहिए। कहानी की स्टोरी ये है कि बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बन रही थी, अली भाई ने मुझे मोटिवेट किया, रमीज ने मोटिवेट किया, तो बैक टू बैक दो दिन हम कुकिंग करेंगे और मजे करेंगे और फिर लंबा कोई ट्रेवल करेंगे। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं समंदर पे और सामान मैंने रख लिया, अब ये वर्ष पूछेगा ये किसके लिए। ठीक है भाई, हम सीधा जा रहे हैं मेट्रो, क्योंकि अली भाई के दिमाग में कुछ और आ गया। मुझे आप ना मेन्यू बताते हैं जो आपने इतनी शॉपिंग कर ली नाश्ते के नाम पे। जल्दी जल्दी मसला ये सुपर स्टोर्स का, आप जा से कुछ लेने लेके कुछ आ जाते हैं। लेकिन मेन्यू तो बताते हैं नाश्ते में क्या बना है। जी अंडे सिंपल, हाँ, सिंपल अंडे, सिंपल अंडे पराठे और हैश ब्राउन। तो ये जो इतनी सब्जी ये सब ऐसे कैसे डाल देंगे, तो सिंपल तो नहीं रहा ना अंडा। कॉम्प्लिकेटेड अंडे और हैश ब्राउन। वाह, कॉम्प्लिकेटेड अंडे हैश ब्राउन। सनशूट का रास्ता पता है ना, बस सीधा सीधा जाते हैं ना, कोई लियारी एक्सप्रेस वे से नहीं चढ़ते। कितना दूर है ये मार्केट? खत्म हो जाएगा संदर, दूसरा मार्केट पे रोड पे बैठा हुआ। उस्ताद का चश्मा टाइट लग रहा है। चश्मा दियो भाई को। उसी भी चेहरे पे अच्छा लग रहा। मैं कह रहा हूँ उस्ताद का चश्मा टाइट लग रहा है। शुक्रिया। स्पॉट ढूंढा जा रहा है, स्पॉट। हाँ, ऐसा कुछ है कि रेत में नीचे पत्थर के ऊपर मैं गाड़ी चलाऊं। मैंने पत्थर ही रखा है। चलाऊं? मगर ये इन्होंने गाड़ी सीधा तो सीधा आ जाए। इतना भी हो जाए ना, बस मैं एंटर हो जाऊं। ये पत्थर पे चढ़ गए आप, आ जाओ। उसके बाद क्या होगा? बस उसके बाद फंसेंगे? नहीं नहीं फंसेंगे। आप तो मड फ्लैप लगाए, कुछ भी नहीं। बढ़ो आगे। हां आगे बढ़े। थोड़ा सा बस भाई, अब दस जाएगी पूरी। दुम बाहर तो नहीं। ज्यादा हो गया भाई साहब। बस यार इसको लॉक वॉक कर देते हैं, भी शीशे चढ़ा के फिर शाम में या दोपहर में निकालेंगे। सेटअप लगाओ, सेटअप लगाओ। रमीज मदद करो यार, हेलो मदद करो ना, जाके वहाँ सेटअप लगाने वाले सामने के। मैं ले आया हूँ अपने सनग्लासेस, चाहिए? ये सब्जी ना इधर अंदर डाल दो मेरे ख्याल से, नीचे ताकि कम मिट्टी लगे। बंदा हो ना तो ऐसा हो कि आग इससे लगवा लो, बातें करा लो इससे, खाना इससे पकवा लो, जो काम चाहे। पहले आपको लकड़ियों की खपच्चियों को आग लगानी पड़ेगी। मैं हेल्प करूं, मैं हेल्प करूं। लग गई आग, लग गई। बॉल्स वाले भैया असल चीज तो निकाल दी, लोग यही बोलते वीडियो में ना, असल चीज तो आपने निकाल के फेंक दी। ये ना नक्शा बनाया ना उन्होंने किसी मुल्क का। यार उसका टेस्ट खत्म होने वाला है भाई। एडवेंचर पे होना या पिकनिक पे हो, शेप डजंट मैटर। यार अली भाई मुझे ज्यादा सिखाओ, अच्छा नहीं लगता पराठा। हाँ मेरे लिए काफी है। अली भाई का मैं इंट्रो तो दे ही दूंगा तुम लोगों को, लेकिन फिर भी जल्दी से बता देता हूँ भाई, ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है पीतम के, शेफ का कोर्स किया हुआ है, हम इनको खाने का डॉक्टर बोलते हैं। बाकी इनका चैनल जो है ना वो अभी सब्सक्राइब करवा दो। अली भाई चैनल का क्या नाम है? दी चटखारा हाउस। दी चटखारा हाउस यूट्यूब पे दे दीजिएगा इनको, मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत मशहूर है। अच्छा अली भाई मजाक ले रहे हो क्या? अली भाई अब आपने मारा ना, ये प्याला नीचे आएगा। मेरे ख्याल से पहली बार शिमला मिर्च आपने खुद भी डाली होगी, इम्पोर्टेड। बिल्कुल। यार
क्या जो है इसका ये जरूरत से ज्यादा लाल नहीं है मिर्च। यार बहुत ही कोई उदास लग रहा है। अच्छा देखो भाई, आप कहीं भी जाओ ना तो अपना दम का पानी जो है ना साथ लेके आया करो। तो कोई अपना दम का पानी साथ लाया था लेकिन बोतल यहीं भूल गया रमेश भाई। अचानक धुएं वाला समा हो गया है अली भाई, क्या आपने ऐसा इसके अंदर किया? यार ऐसा तो नहीं करे ना यार, मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट बन गया है। खुद बना के खुद तारीफ तो। ये बताएगा सही, सच्चा वाला बताएगा। सच्चे दोस्त तो वही होते हैं जिनके मुंह से कभी तारीफ नहीं फूटती। इसके बारे में नहीं दूसरी बात कह रहा हूं कि एक बार जिस पोजीशन में बैठ गए ना हिलना नहीं है, वरना रेत उड़ के हमारे अंडे पराठे में जाए। होता ना स्टाइल, इंग्लिश स्टाइल, उसके लिए खरीदी थी ब्रेड। मतलब लग रहा है ना कोई इटालियन नाश्ता कर रहा है। आलूमिया कहाँ गए थे सैंडपिट की मट्टी में लूट रहे। वाह वाह वाह, फिर से सब सब मिल के गाओ। आलूमिया आलूमिया कहाँ गए थे सैंडविच की मट्टी में लौट रहे थे। वाह, फिर से बोलो सब। रे भाई मैं पानी से आता हूँ, मेरे आलू आपके पास। सर्दी लग रही है लग तो रहा है मुझे सर्दी लग रही है। कहाँ से आए हो आप लोग? एयरपोर्ट की साइड से। कहानी की स्टोरी ये थी कि हम समंदर में डूब गए। क्या बात है, थैंक यू। अरे हैश ब्राउन कहाँ तक पहुँचे? यार आलू के पकोड़े लग रहे हैं। ये हैश ब्राउन बने हुए हमारे। वाह गरम। ला 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 ला। भाई इसमें कोई धुआं हुआ नहीं, बन भी रहा है कुछ? आह सही सही, बन कर दे। अली भाई बात हो गई क्या? रमीज क्या कह रहे? 1500 बोले थे यार भाई, फिक्स रेट है 1500। हाँ लेकिन अब बंदे हम तीन हैं तो कहेंगे आपको 1000 रुपये में कर देंगे। अभी यार हमारी बारी आ ही नहीं रही है, वो अभी दो और चक्कर लगा रहे हैं जब तक अली भाई ने कहा कि मैं बच्चों को आइसक्रीम खिला दूँ। क्या आपने ऐसे किसी को अपने अंदर का डर भगाते हुए देखा कभी? ये डर आवाज निकाल के अपना डर दबा रहे। मैं दबा रहा हूं। मैं क्या हो गया? क्या हो गया? ओ तेरी है। दिखा दो ना, दिखा। पेट्रोल खत्म हो गया। सच सच बता रहा हूँ, तुम्हारा कलेजा आ गया था ना अली भाई तो मजा आया यार, पर रहने दे यार। हाँ पता था हम गिर भी गए तो क्या तैरते में निकल जाएंगे। बात ये है कि अब कार निकालनी है,
सबसे बड़ा जो ना मोर का आखिरी, हाँ मुझे लगता है पत्थर पे आराम से है। नहीं ये रिवर्स हो नहीं रहा था, ये वाला दूसरे वाले के कर दे। हाँ आप सही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आराम से निकल गई। पहले मैंने ट्राई की थी सुबह, लेकिन उस वक्त नीचे पत्थर नहीं लगाया हुआ था ना, अभी पत्थर सही जगह पे लग गया तो निकल गई। तो कहना मैं चाह रहा था कि इस वीडियो को अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी।